कंक्रीट का जंगल, रोशनियों का शहर, कराची। यहाँ रौनकें हैं, रंगीनियां भी, साथ साथ एक अनदेखा दलदल, जुआ, शराब, मंशियात, टारगेट किलिंग और कब्जा माफिया। कुछ लोग हैं जो शहर जलाने में लगे हैं, कहते हैं चिरागों को अभी मद्दम ही रखा जाए। जुर्म और ना इंसाफी का वो गहरा दलदल है जो इस शहर को निगलता ही जा रहा है। इस दलदल में ना जाने कितनी ही जिंदगियां धस गई। ये कहानी जंग की है, जंग खैर और शर की। मैं एक नाकाम इंसान के सिवा और कुछ भी नहीं। गमों का बोझ इंसान को थका देता है, जिंदगी से खुशियां छीन लेता है, कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, रहता है तो सिर्फ अंधेरा, हर तरफ बस अंधेरा। भाई आप लोग गलत ही कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको गलत फहमी हुई है भाई। क्या लगता है तू हमारे साथ गेम खेलेगा तू बच जाएगा? उठा सारे को, ले चल भाई के पास। मुझे जान से मार दे भाई, मुझे बहुत डर लगता है भाई। भाई ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बहुत डर लगता है भाई। भाई तूने जान बचा ली मेरी यार, मुझे तो लगा था मार दिया इन लोगों ने मुझे। तूने तो भाई मार दिया, क्या मारा है? वो आखिरी वाली को देख के मेरी तो बंद हो गई थी भाई, लेकिन तू तो भाई बोएगा। वैसे मेरा नाम बाबला है, तू बता तेरा तेरा क्या नाम है? चल मर्जी तेरी, नहीं बताना मत बता, लेकिन भाई तूने जान बचाई है मेरी, तेरा एहसान रहा है मुझ पे यार।
आगे से तेरे को कोई भी तकलीफ हुआ ना, अपने को बोलने का। ये पूरा मोहल्ला जानता है इस बाबला को, अपना रोग चलता है इधर। अभी तू बचाया मेरे को तो तू भाई, तू बाप, तेरा मोहल्ला, तेरी गली, खुश। अब अच्छा छोड़, पहले तेरे को कभी देखा नहीं अपने एरिया में, नया है क्या? अच्छा खैर ये सब छोड़, तूने ना मेरी जान बचाई है, इस बात पे आज रात को चलना, चल के शराब पीते हैं। चलना यार, सस्ती शराब खराब करती है यार। सच कहूं तो तूने सेंटी कर दिया आज, कसम से। उस SHO का नाम क्या बताया तूने? नियाजी। ये ले। मैं शराब नहीं पीता। मैंने कहा मैं शराब नहीं पीता। ठीक है, सिगरेट तो पीता होगा। ये ले। लेना तू तो सच में बच्चा है ना। एक बात कहूं, ये पुलिस वाले ना साले होते ही हरामी है। एक बार सालों ने मुझे मेरे दोस्त के साथ रोका, उस हरामी ने पहले मेरे दोस्त की ली, फिर मेरी ली, फिर मेरे दोस्त की ली और फिर मेरी ली। बहुत नशे में है तू, बोल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तलाशी ली उसने और क्या। लेकिन आज तूने ना मेरा दिल जीत लिया। मेरे सारे दोस्त साले हरामी हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, और तू मेरे लिए लड़ा, मेरी जान बचाई। आज से ना तू मेरा पक्का वाला भाई। बहुत पी रखी है तूने, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। नहीं यार। चल तो चल खड़ा हो। रोक इसको, रुको रुको, गाड़ी साइड पे लगाओ। अबे तू क्या क्या नाम था इस लौंडे का? साहब शेरियार। बड़ी शराफत के गीत गा रहा था और अब इन हरामियों के साथ घूम रहा है तू, चोर लुचक्कों के साथ। भाई तेरा कातिल है,
और तू शराबी, चोर, डकैत, हरामी। बाप क्या करता है तेरा, हैं? जरूर दिता होगा इसका बाप, औरतें सप्लाई करता होगा, उनके बिस्तर गरम करता होगा। गुस्सा आ रहा तेरे को, मारेगा मेरे को, हैं? मार, मारेगा मेरे को, मार। साले वैसे ही ठोक दूंगा जैसे तेरे भाई को ठोका था। अबे ये क्या किया तूने? पुलिस वाले को ठोक दिया? मेरे भाई को मारा था। चल चल चल, फारूक भाई को मारा था। चल 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 चल, बैठ भाई। साहब साहब, ये साहब, तुम्हें पता है तुम्हारे यहां आने से पहले ही मुझे सारी बात का इल्म हो चुका था। बस अब देखना यही बाकी रह गया है कि वो कौन है जिसने सचो न्याजी को ऑन ड्यूटी मार डाला। न्याजी वो कुत्ता? हाँ, वो दिलावर का जलील तरीन कुत्ता। अब तो पुलिस के साथ साथ दिलावर के लोग भी इसे ढूंढ रहे होंगे। खैर, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, इसका इंतजाम भी हम कर लेंगे। तुम चूंकि मेरे दर पे आए हो, मेरी पनाह में आए हो, इसलिए मेरा भी ये फर्ज बनता है कि तुम्हारी जान की हिफाजत मैं करूं। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? एक बात याद रखो शहरयार, हमारे धंधे में कोई किसी पर मेहरबानी नहीं करता। तुमने चूंकि मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मेरा भी ये फर्ज बनता है कि अब मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूं। मुनव्वर जी बॉस, देखो जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, इन दोनों को अंडरग्राउंड रखो तो, और इन दोनों का बहुत ख्याल रखो। जाओ तुम लोग, मुनव्वर तुम्हारा ख्याल रखेगा। लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत दूर तक भागेगा। ये चेक चेक, ये चेक। घोड़ों की जुबानी बोले मेरा ये मोहल्ला, खून की कहानी बोले मेरा ये मोहल्ला। मौत की लड़ाई वसूलों में या संभलना, खौफ खौफ की लड़ाई अपना हाथ खुद पकड़ना। बोले घोड़ों की जुबानी बोले मेरा ये मोहल्ला, खून की कहानी बोले मेरा ये मोहल्ला। मौत की लड़ाई वसूलों में या संभलना, खौफ की लड़ाई खुद ही अपना हाथ पकड़ना। खून बहे शहर से और चश्मा अपना मोहल्ला, कातिलों की बस्ती यहाँ हवा में बरा खतरा कलम। एक हाथ में दूसरे हाथ में गन, गोलियां की गोली मुंह फाड़ते हैं गन। बच के रह चले हैं दो आगे हैं चार, चारों तरफ से ही आते होते रहते वार।
जोरम अपनी जगह पे उसूल है, करवा देगी कुछ भी तुझसे भूखा ये उसूल है। शहर मेरा सिखाता जोरा मिलता है किताबों में, कातिल बनते मिलेंगे या टूटे हुए ख्वाबों में। शरीर यहाँ वो जिसे मौका ना मिला, कोई मौका देके देख सबसे बड़ा कर करेगा वो ही। दिल का हल्ला बता दीवारों को मुखबिर है सब, मैसेजों पे होंगे टुकड़े बोरी हो जाएगी बंद। वो घर में शराफत है दरवाजे के बराबर है, वो बंदी बनी तेरी उसका बंदी बनना आदत है। तू पास नहीं है जेब हो खाली कोई भी पास नहीं है, घटेगा ऐसा सारे पूछेंगे जी नाई कौन है। सबने यहाँ सबके अपने तेरा जानी भाई कौन है, कोई नहीं है ले ले रानी जब तक कोटी खोई नहीं है। वो चढ़े आसमां पे लोगों को बना के सीढ़ी, जाना है मंजिल तक क्या बनना है तो छोड़ी सीढ़ी। खाने की जंग है किसी का खाना बन जाना नहीं, हो दूध मेरे अपने मेरे मोहल्ले में आना नहीं। घोड़ों की जुबानी बोले मेरा ये मोहल्ला, खून की कहानी बोले मेरा ये मोहल्ला। मौत की लड़ाई मसलों में संभलना, मौत की लड़ाई खुद ही अपना हाथ पकड़ना। बोले घोड़ों की जुबानी बोले मेरा ये मोहल्ला, खून की कहानी बोले मेरा ये मोहल्ला। मौत की लड़ाई मसलों में संभलना, खौफ की लड़ाई खुद ही अपना हाथ पकड़ना। गया जहन्नम जीते जी जन्नत के यहाँ आसरे, मसलों के बम बांधे फटेने तक सांसरे। ये जिंदगी है पर जिंदा यहाँ कौन कौन, जिंदा वो ही जो हर आगे सबको माना डॉन बॉन। अपना शहर माने खतरा है, मजलूम पिस रहा है, जालिम का दाले गले रहा है। काली वर्दियों के साए काला सब चल रहा है, पीके खून मेरे शहर का मुल्क सारा पल रहा है। तूने फूल वूल देखा मैंने खून वून देखा, तू है फूल फूल बेटा मैंने फूल वूल बेचा। तू बस पेंसिल चलाए मैंने किस्मत को लेकर, हमने कफन पहनाए हैं, मरे हैं नहीं पर कब्र में होके आए हैं। चल मेरे जूतों में एक आध दिन एक आध चिन एक आध गेम, मेरे जेब में सुपारी वापिस होने वाली नहीं है। संभले के रे कही ये तेरी तो बारी नहीं है, देखो टॉक का दौर तुझे वक्त अपना घबाना नहीं। अपनी मेहनत रख रास किसी को बताना नहीं, तेरी सक्सेस गली गली फाश होने दे। वो चलते चल जला के उनको लाश होने दे, हम खून में गिरे हुए गुलाब मौत वाली खुशबू। वो गोटे लेके ऐश में शहर हमारा मजदूर, और शहर के बीच में मेरा मोहल्ला। घोड़ों की जुबानी बोले मेरा ये मोहल्ला, खून की कहानी बोले मेरा ये मोहल्ला। मौत की लड़ाई मसलों में संभलना, मौत की लड़ाई बोली अपना हाथ पकड़ना। बोले घोड़ों की जुबानी बोले मेरा ये मोहल्ला, खून की कहानी बोले मेरा ये मोहल्ला। मौत की लड़ाई मसलों में संभलना, मौत की लड़ाई बोली अपना हाथ पकड़ना। आप शहर में दहशत की अलामत बन गए हैं। सुना है एक इंस्पेक्टर न्याजी के कत्ल में आपका हाथ था, फिर भी आप खुले आम घूम रहे हैं। कैसे? आपसे शहर के काफी नामवर बिजनेसमैन और बिल्डर्स डर जाते हैं। आप में और दिलावर में तसादुम चल रहा है, इसकी वजह क्या है? कहीं ये जंग शहर पर अपना रोब जमाने के लिए तो नहीं? कहीं तो आप गरीबों के मसीहा हैं, सब आपको पसंद भी करते हैं। लेकिन दर हकीकत ये है कि आप में और दिलावर में कोई फर्क नहीं। गरीबों की मदद एक दिखावा है। बुराई को छुपाने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं, और अच्छा बनने के लिए बुरा बनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। उम्मीद है जो कुछ आपने मेरे बारे में सुना आप मेरी आवाम को भी वैसे ही समझाएं। शेरी भाई, कासम सेठ ने आपको बुलाया। मर्चा पास बाल कन गए। आजकल वो कमीना हमारे इलाके में कब्जा भी कर रहा है। कल तो उस बैंड ने हमारे लड़कों पे हमला भी किया। मां गोशा आइए कारा तमाम बेकने, पर इस कुत्ते को मारेगा कौन? हाँ वो शेर यार बैठ। बबला आई थिंक आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप ना बैठे, आप बाहर जाइए, प्लीज गो आउट। कासम सेठ
इस दिलावर का कुछ तो करना पड़ेगा। आप सब लोगों की बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, यू ऑल आर राइट, लेकिन इस वक्त हालात का तकाजा कुछ और है। हालात का तकाजा इस वक्त ये है कि फिलहाल कुछ दिनों तक आप लोग सब खामोश रहें तो बेहतर है। अगर आज खामोश रहें तो हमेशा के लिए खामोश की जाएंगे। बेहतरी इसी में कि हम दिलावर को ही खामोश कर दें। आ कोई छुप पुलिस वाले ने आ दिलावर है दिलावर चुक्का नहीं लेब नहीं ये जनक। ये इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। लोग चादर दे के पैर फैलाते हैं और मैंने अपना कद नाप कर चादर खरीदा है। और रही बात दिलावर की, उसे मैं खुद देख लूंगा। बस आपकी इजाजत चाहता हूं। ठीक है, यू मे गो। क्या हुआ, मेरे भाई का मूड क्यों ऑफ है? मुझे समझ में नहीं आता यार, ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हैं? मेरा भी हक है यार, मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का। जब देखो इन दो टक्के के लोगों के सामने मुझे जलील करता रहता है, मेरी कोई इज्जत है नहीं है। बाप है तुम्हारा, वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता है। क्या खा के अच्छे के लिए बोलता है? दूसरों के बाप को देख, अपने बच्चों को सीने से लगाते, और एक मेरा बाप मेरी बस, बस, बस। तू चल मेरे साथ, तुझसे कुछ काम की बातें करनी है, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। नहीं तू जा यार। चल चल तू चल ना, चल चल चल। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा यार, तू जा ना। ठीक है, तेरा मूड ठीक हो जाए तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। हमीद जी था पान और सुन जी सिगार भी लेते आना। ठीक है सेठ साहब। गाड़ी निकालो, कहीं चलना है। सेठ साहब गाड़ी अभी तक सर्विस से नहीं आई। तो कोई और गाड़ी का अरेंजमेंट करो। तुम ऐसा करो कि शहरयार से कहो कि इसकी गाड़ी दे दे थोड़ी देर के लिए। जी सेठ साहब।
आप भी इस नादान की बातों में आकर ख्वाबों के सेज सजा रहे हैं। सेज तो आपकी सजेगी, घर में नई नवेली दुल्हन जो आने वाली है। तू नहीं सुधरेगा ना। मुबारक हो। रुक, तुझे बताता हूँ, रुक। बस बस हो। यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। चल तू परेशान मत हो, मैं रात को वापसी में एटीएम से निकाल के तुझे दे दूंगा, ठीक है भाई? अच्छा भाई, वो कुछ पैसे मिल जाते, वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है। कितने चाहिए भाई? 5-6 हज़ार रुपए। हाँ, जैसे बैंक छोड़कर गया ना तू मेरे पास। ये ले। 1000 रुपए काफी नहीं, नहीं, है? नहीं, नहीं, कम है। ये पकड़। ये मेरा भाई। अब ज्यादा मस्के मत मार, पढ़ाई पे ध्यान दे। थैंक यू भाई। और इसरार कैसे हो? जानी कैसे? और बेटा कैसे हो? ठीक ठाक। जरा पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू भाई। तू तो बड़ा खुश नसीब है। क्यों? तुझे फारूक भाई जैसा भाई मिला, तेरा भी ख्याल रखता है, तेरे अब्बू का भी। वो तो है, आज तेरे भाभी के साथ डिनर का प्लान है। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, क्लास के बाद मिलते हैं, ठीक है? चल। हो रही भाभी। आमना। हाय। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मुझे भी बात करनी थी, लेकिन क्लास का टाइम हो गया है, बाद में मिले। मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, वहां चले। ओके डन है, तो बाद में मिलते हैं। यस। ओ अली भाई। और फारूक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशखबरी कब सुना रहे हो? बस इंशाल्लाह आप सबकी दुआ रही तो सुना लूंगा बिल्कुल जल्दी। इंशाल्लाह जरूर जरूर। लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। तुम बोलो तो मैं अपने भाई को भेज देता हूँ तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए, या मैं खुद आ जाता हूँ। देखो तुम पहले लाइफ में सेटल हो जाओ, कुछ बन जाओ, इसके बाद मना लूंगी ना मैं घर वालों। पढ़ तो रहा हूं ना मैं। ओके आई नो। देखो अब मुंह नहीं बनाना प्लीज। अच्छा क्या खाओगे? कुछ नहीं खाऊंगा मैं। हो क्या क्या है तुम्हें? बस पागल हो गया हूं मैं। अच्छा बस करो ना, मैं ऑर्डर दे रही हूं। मैंने बता दिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो कॉफी पी लेते हैं ना।
कहां रह गए थे बेटा? क्या हुआ खैरियत बेटा? कोई परेशानी फारूक? तो वॉलेट में है और इसी वजह से गेंद ऊंची बढ़ाए। खबर दें आपको न्यू कराची से, जहां पर चार मुसल्ला डाकुओं ने निजी बैंक में डकैती की वारदात की। डाकू 10,35,000 रुपए लूट कर ले गए। एसएसपी सेंट्रल मलिक मुर्तजा के मुताबिक डाकुओं का मैं देख लेता हूं बाबा। डॉक्टर साहब, वो बाबा की तबीयत कैसी है? उनकी हालत कदर बेहतर है। खतरे से तो बाहर है ना बेटा। देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उनकी हालत खतरे में है और ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको कम से कम 12 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। पैसों की परवाह बिल्कुल ना करें, बाबा को बचा ले। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। बेटा ये कोर्ट कचहरी थाना एक दलदल है, इस दलदल से निकलने के लिए आपको मजबूत रस्सी की ज़रूरत है। एक अच्छा सा वकील कर लो। देखो बेटा, जिस तरह से तुमने अपने भाई के केस के बारे में मुझे बतलाया, उस हिसाब से तो तुम्हारा भाई बेकसूर लगता है और इससे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और ये केस इतना आसान भी नहीं है, लिहाजा इसकी फीस भी है। कितनी फीस सर? कोई 7-8 लाख रुपए। सर आप पैसों की परवाह ना करें, आप सिर्फ मेरे भाई को बचा लें। चले फिर एडवांस फीस जमा करवा लें, फिर कुछ करते हैं। बोल, हाँ बोल बोल।
मैं जानता हूं कि यह कत्ल तू नहीं किया है, सारे सबूत भी तेरे खिलाफ है। मुझे और मजबूर मत कर कि मैं तेरी और सर्विस करूं। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले। साहब, इसका भाई आया हुआ है वकील के साथ, ऑफिस में बैठे हुए हैं। वाह भाई आया तेरा, सारी रिपोर्ट है उसकी मेरे पास, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। पुलिस वाले जहां मूड होगा वहां ठोक देंगे, जिस चौराहे पे मूड होगा वहीं ठोक दूंगा उसको, इनकाउंटर कर दूंगा उसका। तू तो छूट जाएगा लेकिन तेरा भाई नहीं बचेगा मुझसे, फैसला तेरे हाथ में, समझा? बता दियो क्या करना है। रुको, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मैं ये जुर्म अपने सर ले लेता हूं, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। चल नजीर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लाइंट को टॉर्चर करने की? हल्के हो जाओ वकील साहब, आपके क्लाइंट ने जुर्म कबूल किया है और अब वो एक मुजरिम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपने भाई को जानता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जरूर इन्होंने ही धमकाया होगा। नजर, चाय बोली थी? मैं आप जैसे पुलिस ऑफिसर को अच्छी तरह से जानता हूं, जरूर आपने उसे मजबूर किया होगा कि ये गुनाह अपने सर पे ले ले। लेकिन जनाब, इसका फैसला कोर्ट में होगा। ये परमिशन लेटर, हमें उसे मिलने की इजाजत दीजिए। अजहर, जा मिलवा दे इनको। भाई, भाई वो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? क्या आपने किसी का कत्ल किया? बोले भाई ये झूठ, बोले ना भाई। हां शेर यार, मैंने कत्ल किया है। मैं जानता हूं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, और करता भी तो क्या मैं? तेरी यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सारी जिंदगी तुझे पालता रहा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तेरी पढ़ाई, तेरे शौक सब पूरे किए मैंने। बाबा का ख्याल करता रहा, उनकी दवाइयां, उनके हॉस्पिटल्स के चक्कर, तुम दोनों का बोझ था मेरे सर पर। तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता था। मैं खुदा के लिए ऐसी बातें ना करूं, इसलिए किया मैंने। मैं खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी के दबाव में आने की। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूं और कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। और कुछ ऐसा वैसा मत करना जिस वजह से तुम मुसीबत में फंस जाओ। मैंने कह दिया ना, अब मैं हूं कातिल, चले जाओ यहां से। यार, बाबा का ख्याल रखना, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, कल कोर्ट में तुम्हारी भाई की पेशी है, अगर ये इसी तरह के बयान देता रहा ना, मैं चाहकर भी इसे बचा नहीं पाऊंगा और इस तरह के केस लेकर मैं अपना नाम खराब करना नहीं चाह रहा। मैं भी आया। बा
बाबा। तमाम सबूतों और मुलजिम के इकरार जुर्म की बिना पर यह अदालत मुलजिम फारूक अहमद फांसी की सजा सुनाती है। बस पिक्चर ही देखते रहेंगे, फ्रेश होने भी जाएंगे। खाना लगा दो। बस यही एक वक्त होता है जब आपको मेरी याद आ जाती है। सर में दर्द मत दो, खाना लगा दो। अच्छा तो अब इसकी वजह भी मैं हूँ। आपको अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत होती है जब कोई और आपकी जगह इस घर में आता है। मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है कि कहीं कोई आपकी मौत की खबर ना लाया हो। जिंदा होना मैं तुम्हारे सामने, खड़ा होना, मरा तो नहीं होना मैं, सांस ले रहा हूं ना मैं। हेलो, क्या की माँ की? जाने से पहले इतना याद रखें, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? सच थैंक यू सो मच। ये काम जरूर दिलावर का हो सकता है, क्योंकि ऐसे घटिया काम वही कर सकता है। हमारे धंधे में ऐसे बुज़दलाना हमले होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने 40 साल तक इस शहर पे राज किया है, राज, और इस तमाम अरसे में मैंने वो सब कुछ किया जो अपनी दहशत को कायम रखने के लिए किया जाना चाहिए था। बस एक काम जो मुझसे रह गया, जो मैं नहीं कर सका, और वो ये कि मैंने अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि मैं अपने जानशीन मुकर्रर करूँ। लिहाजा आज से आप लोग, जितने लोग यहाँ कमरे में मौजूद हैं, आप सब लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी पोजीशन पर जो शख्स होगा वो होगा शहरयार। भाई कम निंद निंद कम हो सकती, दिमाग को ना सोच। क्या बैठो लग गया ना? मैं जानता था कासिम सेठ हमारी आगे छोड़ेगा। इन्ना आइए कहा शरणा रमेश का कासिम सेठ कुर्सी आइए दंते। 20 साल तक ये कासिम सेठ हम पर अजाब बना रहा, और वो कल के आए हुए लौंडे को हमारा बॉस बनाएगा। सारी जिंदगी हम लोग मनाते रहे। मई वह कह रही आइए जी भी आइए तई जी भी।
दिलावर, कासिम सेठ नहीं रहा। गुदानी गुना जैसे ये अच कबर ही नहीं माँ पुशाई शिया सफेद कपड़े नहीं ये कफन है इस गद्दार का। बहुत दावा करता है ना कासिम सेठ से मोहब्बत का, आज यहीं दफना देते हैं साले को। नहीं, सही वक्त का हमें इंतजार करना है। सेठ कासिम से मोहब्बत करता है ना, यही दफनाएंगे ठीक सेठ कासिम के बराबर में। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं। कासिम सेठ के जाने के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें लड़ने के बजाय सब्र से काम लेना है। अब्दुल भाई, मैं आपसे और ये शहरी वहरी जो भी है इससे बस ये कहना चाहूंगा कि मेरा कासिम सेठ की मौत में कोई हाथ नहीं है। मानता हूं कि हम दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी है, पर कासिम सेठ मेरे बाप जैसा था। झूठ बोलता है भाई। खामोश। हम लोग यहां सुलह करने आए हैं, गैंग वॉर नहीं। अब्दुल भाई, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी किसी की दुश्मनी नहीं चाहिए, बल्कि हम सबकी भलाई तो इसमें है कि हम चुपचाप अपना अपना धंधा करते रहें। शुक्र मना कि अब्दुल भाई आज यहां आए, वरना तो ये छह की छह घोड़ियां ना तेरे सर में उतार देता। और वैसे भी तेरी गद्दारी के किस्से बहुत मशहूर है, और मेरे बाप का एक ही दुश्मन है और वो है तू। अपनी हद में रह बाबला। मुझे मजबूर ना करके मैं तुझे आज तेरी औकात याद दिला दूं। बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है आज। बकवास का वक्त खत्म हुआ दिलावर। अब तेरे मेरे बीच सिर्फ वार होगा, वो भी खुलेआम। आज तेरी जिंदगी बख्श रहा हूं मैं, पर वादा करता हूं तुझसे तेरी मौत मेरे हाथों होगी। शहरी से जाने क्यों दे रहा है? का किस्सा यही खत्म कर देते हैं ना। देख रहा हूं
तुम सबको देख रहा हूं। कासिम जेड बड़ा मान रखता था मेरा, लेकिन मुझे लगता है उसके दफन होने के साथ तुम लोगों की नजर में मेरी इज्जत भी दफन हो गई। जाते जाते बस इतना कहूंगा तुम सब से, तुम सब के सब अपने इस फैसले पर पछताओगे। चाय पियो। ठीक कह रहा था, ये तुझे मुझे ठोक देना चाहिए था, क्योंकि जिंदा छोड़ने की गलती मैं सिर्फ एक बार करता हूं, और गलती दोहराने की गलती मैं कभी नहीं करता। देख रहा हूं आजकल तू बदल गया है। मैं समझ सकता हूं, बाप एक ऐसी हस्ती है जिसका साया सर पे होने से सुकून मिलता है, भले ही बाप कितना सख्त मिजाज क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता है। मगर इस बात का एहसास हमें तब होता है जब वो शफकत का साया हमारे सर से हट जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। यह बात सच है, हालात इंसान को बदल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा भाई बदले। आज देखा अपने भाई का गुस्सा कभी कभी आ जाता है अपने कभी। सच बोलू ना तो अंदर से तो फटी हुई थी, मुझे ना ठोकते। तेरे भाई के होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन अगर गलती से गोली चल जाती तो वो सारा दिलावर तो मुझे ही ठोकता ना। कासिम सेठ का बेटा कौन? मैं। उसके बाद गद्दी किसका? मेरा। और कराची पर राज भी मेरा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अब मेरा भाई हमेशा मेरे साथ है। बिल्कुल सही कहा तूने। तुम्हारा भाई तुम्हारा हमेशा साथ देगा। जब नसीब हो गया तो क्या करेगा पांडू? आज दोनों कुत्ते एक साथ थे और मौका भी था। मौका तो अच्छा था, पर शेरी को ज्यादा चालाक निकला। सियाड़े भी और खतरनाक भी। काय का खतरनाक? उस कल के आए लौंडे से तुम्हारी क्यों पड़ती है? फट्टू साला कहीं का। आपस में लड़ने से बेहतर है हम शेरी के बारे में कुछ सोचे। बाबला, अब आगे क्या करना है? अब दलदल में दंगल होगा। मार्केट में आ रहे हैं।
चैन। भाई मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे भाई। पहले ये तो पता कर ले ये आदमी किसका। शेरी का आदमी। शहरी नहीं संभाला जाता, शहरी 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 का माल पकड़। उसके सिवा कुछ नहीं सुनना मुझे इस बारे में। 5 घंटे तेरे पास भाई, जो ना है भेज। बहुत गलत वक्त पे है तू। मुझे एक वजह दे कि मैं तुझे भी कभी ना ठुकूं। वजह है, वो है शेरी। बैठ। बोलना शुरू कर। मैं जानता हूं कि उसने तुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। तेरा धंधा बंद हो गया, तेरे लोग मर गए, लेकिन मैं तेरी मदद कर सकता हूं। तो तुझे लगता है कि मैं तुझ पे भरोसा करूंगा? मुझ पे भरोसा करने के अलावा तेरे पास कोई और चांस नहीं है दिलावर, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त सिर्फ मैं ही हूं जो तेरी मदद कर सकता हूं। कल रात शेरी का माल निकलने वाला है, उस पे हाथ साफ कर ले, तेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। अब मर्जी है तुम्हारी कि मेरा यकीन करो या ना करो, बस बदले में मुझे शहरी चाहिए। प्लान तो अच्छा है, पर मेरा मतलब कभी है, और जिस चीज में मेरा मतलब होता है उसमें मुझे बहुत मजा आता है। बैठा क्या है, हाथ मिला। अब हमारी तकलीफ के दिन खत्म हुए दिलावर, शहरी की बर्बादी का वक्त शुरू। नजर रख इस पे। नकरे क्यों कर रही हो? ये मेरा नंबर, अबे नंबर ले ना। ठीक है, मुझे पता है तुम मेरा नंबर नहीं लेगी। आज मैं नंबर पकड़। अबे तुमने मेरा नंबर फेंक दिया। क्या आप इसे जानती हैं? क्या जा अपना काम। भाई बहुत देर से मुझे तंग कर रहा है, मैं नहीं जानती इसे। कौन है अबे? क्या तेरी बहन लगती है? जा अपना काम। यही मेरा काम है और सरकार मुझे इस काम की तनख्वाह देती है। सर क्या हुआ? सर कौन है ये? नजीर, आजकल तुम्हारा भरम नहीं रहा। हुआ क्या है ये?
उठाओ इसे, लॉकअप करो। सर माफ कर दो सर, सर मुझे माफ कर दो सर, सर माफ कर दो। मैं माफी नहीं सिर्फ सजा देता हूँ। माफी जिससे मांगनी है उससे मांगो। तुम हो कौन? इंस्पेक्टर हैदर अली, तुम्हारे इलाके का नया सर्च। सॉरी बहन, बोल के माफी मांग। सॉरी बहन। सर माफ कर दूं, आखिर भाई है मेरा। जाने दो इसे, चलो जाओ यहाँ से। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर मुझे एक बात बताएं, आपको अब 1 साल हो गया है, तो फिर आप हर किसी क्यों कहते हैं मैं नया सर्च हूँ इस इलाके में, वजह क्या है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मेरा नाम हैदर अली है और मैं इस एरिया का नया सर्च हूँ। तो कराची के लोगों का एटीट्यूड समझ नहीं आता। खैर आज 5 लोगों का मर्डर हो चुका है जो सब शेरी के लिए काम करते थे, क्या आप उन्हें बुलाएंगे प्लीज? वो घर पे नहीं है, मैं उनकी वाइफ हूँ, आप मुझे बताएं। आपके यहाँ मेहमानों को गेट पे खड़े रख के बात करते हैं? आ जाएं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अरे पी लीजिए, पता नहीं फिर आपके नसीब में हो ना हो। अगर ऐसी बात है तो प्लीज। अगर बीवी ऐसी है तो उससे जरूर मिलना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको उनसे क्या बात करनी थी? कुछ नहीं, बस शेरी को वार्न करने आया था कि अब से इस एरिया के हालात बदलने वाले हैं, अगर वो भी बदल जाए तो अच्छा होगा। आप शायद यहाँ पे नए आए हैं, थोड़ा वक्त गुजार लें, खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन बदलता है। शायद आपको व्हाइट कलर बहुत पसंद है। क्या मतलब? खैर रहने दें, आप अपने हस्बैंड से कह दें कि वो समझ जाए, अगर नहीं समझा तो उसे आप समझने का मौका नहीं दो। चलें, थैंक्स फॉर द टी। फोन उठा। शर्मे शर्मे बोल। दिलावर के लोगों ने अपना सारा माल पकड़ लिया है और अपना एक आदमी हॉस्पिटल में। मुझे आज डॉक्टर के पास लेके जाना था तुम्हें, मेरी ना सही, कम से कम अपने बच्चे की तो सोचो। बात सुनो मेरी, मैं बाबला को भेजो, तुम उसके साथ चली जाना। बच्चे का बाप वो है कि तुम? बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा फिर क्या कह रहा हूँ मैं तुम्हें? ठंडा हो जा, भाभी को हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, तू इसके साथ जा। कौन से हॉस्पिटल में? मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल में? दिख नहीं रहा बयान चल रहा है, बाहर जाए। नजीर तुम बयान लो। सर चलो। आखिरकार मुलाकात हो गई। एसएचओ साहब, आपके इलाके का नया एसएचओ इतना फेमस हो गया,
मेरे इलाके में कौन आता है कौन जाता है ये सारी बातें मुझे नादरा से पता चल जाती हैं। तो इतना भी जान लो कि अब मौका नहीं मिलेगा, जहां पे मिलोगे ठोक दूंगा। आप भी इतना जान लें, मौका मैं भी नहीं छोड़ता। सर, मुलजिम का बयान कलम बंद कर दिया। कहा था ना वक्त बदल जाएगा। आमना, आमना। लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? मुझे आज डॉक्टर के पास लेके जाना था तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें समझ नहीं आ रहे थे क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें? तुम अपने बच्चे की तो सोचो। कैसे हुआ ये सब, किसने किया ये सब? जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। भाभी, ए भाभी, ए भाभी, ए भाभी, क्या हुआ ये? भाभी ये किसने किया? भाभी बताओ ना ये किसने किया? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, किसी ने मेरे सर पे इतनी जोर किसने मारा? मुझे पता किसने मारा, कौन सा नाम पता उसका? दिलावर के आदमी थे। दिलावर, हेलो, शेरी यहां से निकल चुका है।
तुम जाओ दिलावर के पास और उसे कमजोर करना, और उस वक्त तक जब तक शेरी दिलावर को ना मारे। और उसके बाद हम शेरी को मार दें? नहीं, उसके लिए मैंने कुछ और सोचा है। शेरी शेरी शेरी, आजा। कितने बंदे मारे तूने मेरे? 25? 30? बहुत थक गया होगा तू। ये ले, ठंडा पी ले, अच्छा फील करेगा। तुझे मालूम है तू मेरा पर्सनल फेवरेट है। I really like you. जानता है क्यों? तू भी मेरी तरह एक छोटे इलाके से आया, मेरी तरह अपना जगह बनाया, पर तू मेरी तरह गलती कर बैठा। तू भी इस दलदल में फंस गया। तुझे पता है शेरी, हम गैंगस्टर लोगों की जिंदगी ना एक लूडो के गेम की तरह होती, जिसमें सामने वाले की गोट पीट के ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन दिलावर तुझे इस गलती से बचा सकता है, ताकि तू इस दलदल से निकल सके। तुझे पता है शेरी, इस दलदल में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन कभी दिलावर का कोई छुखाड़ नहीं सका। और ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि तू भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या रे शेरी, कभी इधर भाग उधर भाग, इसे मार उसे मार, कब तक ऐसे करेगा तू? थक जाएगा। मेरी तरफ आ जा, हाथ मिला ले, दोनों मिलके धंधा करेंगे। दिलावर का दिमाग और तेरी हिम्मत, मिलके पैसा बनाएंगे ना। आ जा मेरी तरफ, आ जा, हाथ मिला ले, आ जा ना मेरी तरफ, हाथ मिला ले ना, हाथ मिला ले। शेरी, शेरी, मर गया? अगर तूने उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज तू जिंदा होता। अब तो जो हुआ हो गया, तो सब खत्म हो गया, तूने सबको मार दिया। मतलब अब कराची मेरा।
कराची मेरा। अब मैं अकेला कराची पर राज करूंगा। तुझे पता है शहरी, ये दिन देखने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानी से याद आया, तेरा भाई ना बहुत शरीफ आदमी था लेकिन बहुत डरपोक भी था। बंदूक देख के फट गई थी उसकी उस रात को ना। मैंने ही उसे लूटा था। बच्चे की तरह रोने लग गया था लेकिन उस दिन ना जोश जोश में मुझसे वहां पर एक बंदा मर गया और जल्दबाजी में तेरे भाई का वॉलेट निकल के मेरी जेब से वहीं गिर गया और इत्तेफाक से एसएचओ नियाजी को वो वॉलेट लाश के पास से मिल गया। सर तो वॉलेट मिले, वो तो था हरामी। कत्ल किया नहीं तूने? चंद पैसों के लिए उसने तेरे भाई को कत्ल किया नहीं क्या? बोल हाँ। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से मेरे बाप को सच बोलने का कीड़ा काट गया। कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, आई एम ओके। बहुत मामूली बात है मेरे लिए। बाबला मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे फैसले से बहुत तशवीश हुई है लेकिन बेटा एक दिन आएगा जब तुम मेरे फैसले पर फख्र करो। बाबा मुझे आपके फैसले पर कोई तशवीश नहीं हुई है बल्कि मैं तो आपका फैसला, बाबा मुझे तो आपका फैसला सराखों पर। बाबा आपने जो भी फैसला किया है वो कुछ सोच समझ के ही किया। अच्छा। और वैसे भी शेरी तो मेरा बड़ा भाई है तो मुझे अच्छा ही लगा लेकिन बाबा आप ना अपना बहुत ख्याल रखो, आपकी जिंदगी ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। और अब आपको ना कोई काम नहीं करना। अच्छा। आपको ना बस आराम करना है। ठीक, सिर्फ आराम। अच्छा अब सिर्फ आपके आराम के दिन है। अच्छा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। तो मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा लेकिन उसने मेरी जगह तुझे दे दी थी ना। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था वो? और फिर बचा सिर्फ ये, तो इसको तू मारने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था क्योंकि कोई वजह नहीं थी ना तेरे पास इसको मारने की। तो मजबूरन तेरी बीवी और तेरे बच्चे को मार के तुझे वजह देनी पड़ी। तू फिक्र नहीं कर, तेरे शौहर को भी ना बहुत जल्द तेरे पास भेज दूंगा लेकिन शहरी जब मैं तेरी बीवी को मार रहा था ना उसके
चीखें सुन के मुझे इतना सुकून मिल रहा था। बाबा को मार दिया, मेरे बीवी बच्चे को मार दिया, भाईजान की जान ले ली। ये सब तू मुझसे ऐसा ही ले लेता? मेरी बीवी, मेरे छोटे छोटे बच्चे को मार दी, क्यों किया है तूने ये सब? भाई समझता था तुम्हें मैं, आज से ना तू मेरा पक्का वाला भाई। तेरे भाई के होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ है। लोग कहते हैं मेरी आंखों में आरामीपन झलकता है, इसलिए मैं हर वक्त चश्मा लगा के रखता हूं। खैर छोड़ो, कहा था ना वक्त बदल जाएगा, ले अब बदल गया। ठीक कहा था सर आपने, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। लेकिन मेरा वक्त तो उसी दिन बदल गया था जब मैंने बाबा और भाई को खो दिया था, बिल्कुल तनोतन्हा। तन्हाई इंसान को मार देती है साहब, अगर उस तन्हाई में कोई एक सहारा मिल जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया होती। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, जो मुझे सहारा दे रहे हैं उसी ने ही मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है, और मैं बदले की आग में उस दलदल में धसता चला गया, बहुत दूर जा चुका था। ये सब मैं नहीं था साहब, बल्कि मेरी मजबूरी थी। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता था, और मेरा भाई मुझे इंजीनियर देखना चाहता था, और मेरी बीवी मुझे अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप देखना चाहती थी। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद कोई शहरियार शहरी भाई नहीं बनेगा, और ये दलदल किसी मासूम की जान नहीं लेगा। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। बहुत सुपर हिट स्टोरी है, इस पे तो फिल्म बननी चाहिए, बहुत कमाओगे। मुद्दे पे आए
ये तो तय है कि यहां से जिंदा बच के तो नहीं जाएगा। मतलब चैप्टर क्लोज। सर इतना बड़ा ऑपरेशन अपने अकेले हैंडल किए, कम से कम नफरी तो बुला लेते। तुम तो जानते हो नजीर, इतनी छोटी चीज के लिए नफरी को बुलाना मुनासिब नहीं। लेकिन सर आप भी तो जख्मी हुए। तुम्हारे इलाके का नया सचो हैदर अली है ना, संभाल लेगा। तुम सर मीडिया बुला लो। जी सर। चलता हूँ नजीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल भाई शेरी को मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हेलो। शेरी का एनकाउंटर कर दिया। आप कराची में अपना राज होगा। सबसे गंदा यहाँ पे चलता बड़ा ही सिक्का, बड़ा है धंधा है सबसे गंदा, कण में चलता लाहौर टिक्का। आई कराची की बारी आई। भाई गिरे भाई गिरे भाई, भाई गिरे भाई गिरे भाई, भाई गिरे भाई गिरे भाई, दिल के बोलो। भाई गिरे भाई गिरे भाई, भाई गिरे भाई गिरे भाई, भाई गिरे भाई गिरे भाई। कैसा जवाब कैसा
गिरे भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई खेल चुके हैं खेल दोस्ती का अब दुश्मनी का खेल खेलते हैं क्या दे सके हैं सिवा दोस्ती के गुनाह दरगाह की राह पे निकलते हैं छाई हमारी दहशत छाई भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई भाई गिरे भाई गिरे भाई चिलम उड़ा के धुए नशे के बादलों में हम तो जाके छूए पहन के काटन सुरमा लगा के समान को चुका धुआं को उठा के सुरमो से तुम का सहरा सजा के यहाँ तक आया हूँ मैं लाशों बिछा के माई तुम मर्दों में क्यों आई भाई गिरे भाई गिरे भाई 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 गिरे भाई गिरे